नमस्कार, मैं ललित। आज असम की चर्चा। हिमंता बिस्व शर्मा जो न करें वो कम है। चुनावी सीजन से लेकर विधानसभा के सेशन तक सियासत को गर्म रखते हैं उनके बयान। अब एक और नया शब्द सामने आया है। असम में एक नए तरह का जिहाद शुरू होने का आरोप लगाया जा रहा है, फ्लड जिहाद। जिहाद का ये शब्द किसी आम संगठन, आम आदमी की तरफ से नहीं आया, बल्कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है। हिमंता बिस्व शर्मा जो असम में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं, जो असम में ज़मीन की खरीद फरोख्त के लिए कानून बनाने जा रहे हैं, जो असम में नया मुस्लिम मैरिज एक्ट बना चुके हैं, जो असम में विधानसभा में 2 घंटे का जुमा ब्रेक का नियम समाप्त कर चुके हैं, अब वही हिमंता बिस्व शर्मा आरोप लगा रहे हैं कि असम के खिलाफ फ्लड जिहाद की साजिश रची गई। हिमंता बिस्व शर्मा ने पिछले महीने USTM यानी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मालिक और कुलपति महबूब उल हक पर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि महबूब उल हक गुवाहाटी में बाढ़ जिहाद की साजिश के लिए जिम्मेदार हैं। 9 अगस्त को हिमंता ने सैटेलाइट तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि USTM ने अपने परिसर को समतल करने के लिए पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। इससे गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर जलभराव हुआ था। पहले एक पक्ष समझ लीजिए, दूसरा भी आएगा। सीएम हिमंता के इस बयान के बाद जब उनसे पूछा गया कि भाई वो ये फ्लड जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि USTM कैंपस में जिस तरह से पहाड़ों को तोड़ा गया वो गुवाहाटी में आर्टिफिशियल फ्लड यानी कृत्रिम बाढ़ की वजह बन गया। हालांकि हिमंता के इस फ्लड जिहाद वाले बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया और एक जलसे में कहा कि असम में बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों को हर बार जलील किया जाता है। अब जब असम में बाढ़ आती है तो कहा जाता है कि ये जिहादी सैलाब आया है। ये बार पलटवार है। सिंस 2005 असम इज कंसिस्टेंटली सेइंग दैट रैम्पेंट हिल कटिंग सराउंडिंग गुवाहाटी मोर पार्टिकुलरली इन द जोराबाट एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल फ्लड्स इन गुवाहाटी। जिस तरह असम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। हिमंता ने जो सैटेलाइट तस्वीरें साझा की हैं उसमें USTM कैंपस में पहाड़ों पर क्या बदलाव हुए हैं ये साफ तौर पर नजर आता है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि USTM कैंपस के चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां थीं, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन, कोई तोड़फोड़ नजर नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तस्वीर में USTM कैंपस में एक तरफ पहाड़ियों की चोटियां गायब नजर आती हैं, यानी वहां पर पहाड़ काटकर मैदान बना दिया गया। इसलिए सीएम हिमंता का यह आरोप है कि पहाड़ों पर हुई तोड़फोड़ की वजह से पहाड़ों के बरसाती नालों का रुख गुवाहाटी की तरफ हो गया, गुवाहाटी 2 दिनों तक पानी में डूब रहा। महबूब उल हक ने भी अपनी बात कही है। एक और बड़े हैरत की बात है, कोई इतनी तोड़फोड़ कर रहा था, सरकार को पता ही नहीं चल पाया, ये भी एक बात है। खैर, वापस फ्लड जिहाद पर आते हैं। फ्लड जिहाद वाले बयान के बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या पिछले महीने असम में जो बाढ़ आई है, जो लगातार आपदा वहां पर चल रही है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि ये मैनमेड साजिश थी। ये सवाल पूछा जा रहा है, क्या गुवाहाटी को किसी ने साजिश के चलते डुबाया है? क्या असम को डुबाने के लिए पहाड़ों को बरसाती नालों का रुख, पहाड़ों के जो बरसाती नाले थे उनका रुख गुवाहाटी की तरफ मोड़ दिया गया? क्या गुवाहाटी की जनता 2 दिनों तक पानी में इसलिए डूबी रही क्योंकि असम से सटे मेघालय में फ्लड जिहाद को अंजाम दिया गया? मेघालय सरकार ने हिमंता के संगीन आरोप की जांच करने का फैसला लिया है। असम और मेघालय के अधिकारियों की जॉइंट कमेटी का गठन किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में कई पहलू और भी हैं, वो भी आपको जान लेने चाहिए। मसलन करप्शन के आरोपों पर शर्मा या तो किनारा कर लेते हैं या जज्बाती बयान देते हैं। उनकी पत्नी पर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं, बार बार सवाल भी उठ रहे हैं। एक और बात है कि भले ही आज शर्मा को फ्लड जिहाद नजर आ रहा हो, लेकिन सरकारी नाकामी को वो कुदरत की आड़ में छिपाने की जो कोशिश है वो पहले भी की गई है। कामरूप जिले में हालात की समीक्षा के दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि पड़ोसी राज्य अरुणाचल में बादल फटने की वजह से असम में बाढ़ आ गई। साथ ही लगे हाथ चीन, भूटान और अरुणाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर उन्होंने आरोप मर दिया। अब बाढ़ का ठीक रहा, वो फ्लड जिहाद पर फोड़ रहे हैं। अरे असल सवाल ये है, कभी वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही पर कुछ कहेंगे? कोई उनकी भी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, इसका कोई जवाब वो देंगे? बहरहाल आज इतना ही। कमेंट आप कर सकते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आलोचना आप कर सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।